इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात बिहार से आ रही एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज की जो कोरोना से लड़ाई में बड़ी कारगर साबित हो सकती है। बिहार में घर घर वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू हो गई है। सरकार की तरफ से वैक्सीन रथ निकाले गए हैं और अपार्टमेंट कॉलोनियों में जाकर ये लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगा रहे हैं। नीतीश सरकार की इस पहल से वैक्सीन लगाने वाले वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नहीं जा पा रहे थे जो लोग, उन्हें भी अब टीका लगाया जा सकेगा। पटना में टीका एक्सप्रेस अब लोगों के घरों तक जा रहा है, लोगों के घर पर जाकर वैक्सीनेशन हो रहा है। अब देखिए, ऐसी ही एक टीका एक्सप्रेस पहुंची है पटना में कदम कुआं में प्रणव अपार्टमेंट में। इस अपार्टमेंट में जब ये गाड़ी पहुंची है तो फिर अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अपार्टमेंट के लोग यहाँ पर जमा हुए और हर कोई यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए जमा हुआ है। अब देखिए, इतने सारे लोग जो अपार्टमेंट में यहाँ रहते हैं वो सारे लोग यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 121 ऐसे रथों को रवाना किया है और 36 रथ जो थे टीका एक्सप्रेस वो पटना के लिए था और ये सारे लोग अब यहाँ पर वैक्सीन ले रहे हैं। आप देखिए, इसमें सीनियर सिटीजन भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएँ हैं और यहाँ पर अब वैक्सीनेशन हो रहा है। सबों का आधार कार्ड लिया जा रहा है और एक एक करके अब सबों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। ये बताइए कि घर तक आ गया वैक्सीन, ये तो काफ़ी राहत हो गई। बहुत राहत हम लोग के लिए तो बहुत ही राहत है कि टेंशन था कि और सारे जिन लोग 780 प्लस हैं उन लोग के लिए तो बहुत राहत है। बुजुर्गों को बड़ी राहत हो गई, बहुत राहत मिली। इसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ा, मैं तो लाइन में नहीं लगना पड़ा। सबसे बड़ी चीज़ है घर पर आके हो रही है। इससे पहले क्या कोशिश नहीं कर पा रहे थे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे भीड़ को देख के? ना, पहले तो वही बात है, ये हर सब चीज़ में एक ही बात है। इसी चीज़ को लेकर हम बहुत खुश हैं, बहुत लाभदायक है। तो आप देखिए, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, महिलाएं हैं, वो इस बात को लेकर काफ़ी खुश हैं कि उनके घर तक वैक्सीन आ गया है। और चूंकि पूरी टीम जो है, आप देखिए, दो वैक्सीनेटर हैं, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और ये सारे लोग अपार्टमेंट तक पहुंच गए हैं और यहां पर अब एक एक को वैक्सीनेट किया जा रहा है। ये बताइए कि इससे पहले आपने क्या भीड़ को देख कर या इन्फेक्शन बढ़ सकता है, वहाँ पर हम संक्रमित हो सकते हैं, इसको लेकर भी हिम्मत नहीं जुटाई हो? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कितनी राहत हुई आपको? अभी इंजेक्शन लेने से, सामान रखा अभी लेने से, अभी तो कुछ पहले नहीं है। तो लोग इस बात को लेकर राहत महसूस कर रहे हैं और जाहिर है ये एक अच्छी पहल है, इससे वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो और तेज भी होगी। और जाहिर है जब लोगों के घरों तक वैक्सीन पहुंच रहा है तो लोग भी इससे काफ़ी खुश हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। और साथ ही परिवार के हर सदस्य को भी वैक्सीन दी जा सकेगी, वो लोग जो 18 से ऊपर की उम्र के हैं, आयु के हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भगौड़े मेहुल चौकसी पर जो मैंने कहा कि एक ब्रेकिंग न्यूज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।